नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब की ना अपनी अपनी जर्नी है। हम सब एक आत्मा है, सोल्स हैं, जो हम अपनी अपनी जर्नी पर निकले हैं। सबके अपने संघर्ष हैं, सबकी अपनी उपलब्धियां हैं। हम में से कुछ लोगों ने संघर्षों के बाद उन मुकामों को हासिल कर लिया है जहां तक पहुंचना हम में से कई लोगों के बस की बात नहीं, हम लोगों के लिए सिर्फ सपने जैसी बात होती है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मंथन के माध्यम से मैं ऐसी शख्सियतों से मिलूं और आप लोगों को भी मिलवाऊं, ताकि आप उनकी यात्रा से कुछ प्रेरणा ले सकें। और अगर आप कभी थक रहे हो ना अपनी यात्रा में, तो आपको उनकी यात्रा एक नई दिशा दे सके, संघर्ष करने की शक्ति दे सके। तो आज जो मेरे मेहमान हैं, वो किसी भी खास पहचान की मोहताज नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो इकलौते ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इंडियन फोक म्यूजिक को इंटरनेशनली रिकॉग्निशन दिलवाया। उनकी वजह से लोग भारतीय संगीत को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदी गाने ही नहीं गाए, उन्होंने पंजाबी गाने, पॉप म्यूजिक, भजन, सूफी संगीत, गजल, न जाने क्या क्या गाया है। और आपको पता है कि वो ऐसे एक सिंगर हैं जिन्होंने आशा भोसले जी को डायरेक्ट भी किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन शंकर साहनी जी के बारे में। मैं वक्त बिल्कुल नहीं गवाऊंगी और शंकर साहनी जी को तुरंत अपने इस प्रोग्राम में आमंत्रित कर लेती हूँ, क्योंकि वो ही आपको अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में सारी बातें बताएंगे। शंकर साहनी जी का व्यक्तित्व है ही ऐसा कि जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको अपना जीवन जो है प्रेरणा से भरपूर लगेगा। शंकर साहनी जी, मैंने आपको मैसेज भेज दिया है, रिक्वेस्ट भेज दिया है, प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। नमस्ते, वेलकम। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? फाइन मैम, आप सुनाएं। बस सुनूंगी तो मैं आज आपसे, आज मैंने तो कुछ नहीं सुनाना क्योंकि जब आप बैठे हो, आपको अलग अलग चैनलों पे देखते रहते हैं, बहुत खुशी होती है। थैंक यू सर। भारतीय संस्कृति को बहुत प्रमोट किया है, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। भारतीय संस्कृति को आपने क्या कम प्रमोट किया, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर के, जहाँ लोग पॉप पॉप गाना पसंद करते हैं, वहां आपने हिंदी म्यूजिक को बढ़ावा दे दिया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है अच्छा, जब अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि सारा सफर जो है आज हमारा म्यूजिकल होने वाला है ना? मुझे आपका महामृत्युंजय मंत्र बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि कार्यक्रम की शुरुआत अगर उस मंत्र से हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। आपका गला ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल, पहले से तो बहुत बेटर है। तो आप विशेष जी द्वारा लिखा गया जी मंत्र, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधन मृत्युर्मुक्षी। शुरुआत तो अच्छी हो गई। थैंक यू। शंकर जी, मैं हमेशा से ये सोचती थी कि आप जो कोई सिंगर होते हैं और इस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां आप पहुंचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी जिंदगी बहुत ही अप्स एंड डाउन से होकर गुजरी होगी। आसानी से तो बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें मंजिल मिल जाती है। आपका जो ये सफर है, म्यूजिकल सफर, इसके बारे में जरा मुझे बताइए, आपकी शुरुआत कैसे हुई? मेरा जो फैमिली वर्क है वो म्यूजिक का था, इसलिए थोड़ी संगीत की तालीम में इजी रहा, क्योंकि फादर वाज हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो एचओडी थे, तो घर में संगीत इट वाज फ्लोइंग फ्री ऑल साइड्स, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत आते थे। हाँ। ढोलक, तबला, गिटार, सितार, और कोई ना कोई लेके बैठे रहते, तो इसलिए बहुत जल्दी हाँ। उसमें सीख लिया। और वी बिलोंग टू ए क्लासिकल म्यूजिक फैमिली, किराना घराना बहुत मशहूर घराना है, उससे अच्छा। उससे किराना घराना, हाँ, ये बहुत अच्छा घराना है संगीत का। अच्छा। तो उससे हम बिलोंग करते हैं, और इसलिए क्लासिकल म्यूजिक मैंने अपने फादर साहब से सीखा। और जब मैं कॉलेज पहुंचा तो वहां पर क्लासिकल का कोई माहौल नहीं था, तो सारे पंजाबी गाना सुनाओ यार, कोई पंजाबी गाना सुनाओ,
हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर पंजाबी गाना सुनाया मैंने, वो हाँ नाक में लड़कियां मछली पहनती हैं, नथनी को मछली कहते हैं, तो वो अच्छा गाना गाया मैंने, तो वो रातों रात कॉलेज में हिट हो गया, तो मेरे पे स्टैंप लग गए पंजाबी सिंगर। अरे वाह अच्छा, आपने कहा कि घर से ही शुरुआत होगी, आपके पिताजी जो हैं वो टीचर थे, म्यूजिक टीचर थे कॉलेज में, है ना? तो आपके पहले गुरु आपके पिताजी रहे होंगे, उसका मतलब। हाँ तो कैसे गुरु थे वो? बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब एक तो पापा ऊपर से गुरु, तो सोने नहीं, पे वो सुहागा बिल्कुल कहना स्ट्रिक्ट चाहिए। अच्छा है, वो मदर है हमारी स्ट्रिक्ट, पापा तो हमारे ने कभी कभी ऊंचा बोला ही नहीं, वो उनके जीवन में से तो संगीत ही था बस, और वो चाहते थे कि इसको मैं हॉबी रखूं, इसमें नौकरी वोकरी है, सरकारी काम है, तो उन्होंने मुझे, हाँ तो वो नौकरी तक ही सोच रहे थे उस समय, वक्त थोड़ा नौकरी वाला ही था, शो वो का टाइम नहीं होंगे ना उस समय, तो हाँ फिर मैंने इंजीनियरिंग की बी केमिकल अच्छा चंडीगढ़ में कैंपस में, और कैंपस में 4-5 साल मैंने बहुत गाने गाए, और इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल से पास हुई, हो गई। मतलब पास कर ली ना आखिरकार आपने हाँ, मैंने जॉब जॉब भी की 2 साल, अच्छा ये कजारिया हाँ सेरामिक्स जो टाइल आती है उसमें मैं जी, 2 साल इंजीनियर रहा हूँ, अरे वाह, और मैं साथ में करता रहा अपनी नौकरी छोड़ने की तैयारी की, कोई बड़ी ब्रेक मिले तो छोड़ू नौकरी, हाँ फिर मेरा पहला गाना आ गया, कुड़ी कुरमुरी यारी यारी केड़े यार हाँ हो, काफी हाँ गाने लाइन में ही आ गए, इको मंगिया सी यार, कई लाइन में गाने आ गए, तो फिर मुझे नौकरी छोड़ने में आसानी हो गई। हाँ सही बात है, क्योंकि जब आप संगीत में होते हैं, और स्पेशली फैमिली जो है ना, फैमिली को हमेशा लगता है कि ये जो ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ही रखो तुम, गाने बजाने एक्टिंग, इसको ना नौकरी मत समझो, क्योंकि फ्लो ऑफ इनकम रेगुलर इसमें नहीं होता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है फैमिली वालों की, जो स्पेशली अगर आपके जैसे पिताजी जो है वो सरकारी नौकरी में थे, तो उनका फोकस तो यही रहा होगा कि बेटा ऐसा उनका है कि तुम सरकारी नौकरी का था। हाँ, नौकरी करो नौकरी करो तो अब कोई और जरिया भी नहीं था सिंगरों के लिए सिवाय कोई सीजनल शो होते थे, अब तो हाँ 12 महीने शो होते हैं, पहले सीजनल होते थे, जैसे शादी ब्याह के टाइम पे हो गए, जी हाँ जी हाँ जी तो मैंने मैंडोलिन और गिटार बजाना स्कूल में कॉलेज में स्कूल में सीख लिया था, तो फिर मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मैं डेली स्टूडियो जाके प्रोफेशनली प्ले करता था, अच्छा तो उससे बहुत सारी इनकम हो जाती थी, क्योंकि रोज ही मुझे काम मिलता था एल्बम में बजाने का, मैंडोलिन अच्छा गिटार टेनर, तो इसलिए मैं 365 दिन बुक रहता था स्टूडेंट लवली। कॉलेज टाइम में, और आपको फिर पहला ब्रेक कब मिला था, पहला ब्रेक जो तो आपने कहा ना मुझे, अच्छा कुड़ी कुड़ी कुरमुरी वाला आपने बताया ना? वो वाला, दो तरह के ब्रेक होते हैं, एक तो पहला ब्रेक उस कॉलेज में भी मिला था, तो वो तो वहाँ कॉलेज में ही हिट रहा, तो अपने आप को मैं समझता था कि मुझे दुनिया जानती है, पर वो सिर्फ एक शहर ही जानता था चंडीगढ़ मुझे, जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वो कह रहे हैं आप कौन हो, तो मैं तो बहुत बड़ा स्टार था अपना बाइक वाला, गले में स्वेटर और बाइक और दुनिया दीवानी, पर वो सिर्फ एक शहर की दीवानी थी, तो मुझे लगा कि पूरा इंडिया में जहाँ, तो मेरा बड़ी वहां पे डिसअपॉइंटमेंट हुई, कह रहे हमने तो अभी आपको सुना ही नहीं कौन हो आप, फिर मैं ओ 3-4 साल लगे मुझे दोबारा सेटल होने में म्यूजिक में, फिर वो कह रहे वो बात नहीं है आप में, मैं कौन सी कह रहे वो वाली बात नहीं है, तो जिसके पास जाओ कह रहे वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। तो आपने पूछा नहीं वो क्या होता है? हाँ, तो जब मैं एक कंपनी ने मेरे ऊपर करोड़ रुपया लगाया, मुझे नहीं दिया, मुझे एस्टेब्लिश किया उन्होंने, मेरे ऊपर लगाया कि आपको देंगे नहीं पर आपको ब्रांड बना देंगे, अच्छा वो हम गर्मी थी बॉम्बे में, तो मैंने उनको बोला कोक पीते हैं यार मैनेजर साहब को, तो कह रहे नहीं आप मत उतरो आप स्टार हो मैं लेके आता हूँ, मैं कह नहीं आप तो मुझे कह रहे तुम में वो बात नहीं है, कह रहे मैं तो कहा नहीं, मैं कहा आपने कहा था आपने एक बार रिजेक्ट कर चुके हो, कह रहा है कि अच्छा हमें सबको कहना पड़ता है क्योंकि आर्टिस्ट बहुत आते हैं,
मैं सब आर्टिस्टों को ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई बोले आप में वो बात नहीं है तो समझो कि उनके पास टाइम नहीं है, आप में बात है. आप में बात है, डू नॉट लाइक नाउ. तो आपका जो कुड़ी कुरमुरी था वो गाना हमने बहुत गाया है जब हम भी छोटे थे, मतलब आपसे ज्यादा छोटे थोड़ी थे, आपके बराबर ही गए होंगे, कॉलेज में रहे होंगे. तो हाँ, तो वो जरा गाना एक बार हो जाए फिर से आज. एक कुड़ी है एक नगीना, भुल गया मैं ता खाना पीना, जिनू वेख के आए पसीना, यार कुड़ी कुरमुरी कुड़ी कुरमुरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मीठी है, लग दिए गोर ददाना, यार कुड़ी कुरमुरी आए ओए, यार कुड़ी कुरमुरी आए ओए, यार कुड़ी खट्टी मिट्टी खट्टी अंगूर का दाना. सरोज खान जी ने, हमारे बीच में नहीं है, सरोज खान जी ने इसको वो किया था कोरियोग्राफ. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हो, कुछ डांस करके दिखाओ जो तुम्हें खुद ही आता है. और बाद में तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए वो सरोज जी. और पहले वो तो मैंने वो करके दिखाया, कह रहे ठीक है आप रहने दो. बड़े प्यार से बोल दिया रहने दो. आप के साथ जो डांसर है ना वो डांस कर लेंगे, आप सिर्फ चेहरे से खेलो, अच्छा एक्सप्रेशन करो, कुड़ी कुरमुरी कुड़ी ऐसे करो, कुड़ी कुरमुरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मिट्टी है, लग दी अंगूर ददान. तो उन्होंने मुझे हाथ से बताया कि आप हाथ से करो क्योंकि डांस आपका स्टाइल नहीं है. लवली. तो वो गाना वो रातों रात उस गाने से काम इतना मिलना शुरू हो गया, रोज ही रोज. तो वो गाना एक मिलने में बहुत वक्त लगता है, पर वो हर बंदे को अपनी लाइन में रहना चाहिए क्योंकि वक्त जब आता है तो लोग दिल छोड़ के कोई और काम कर चुके होते हैं. तो इसलिए अपनी लाइन में रहना चाहिए, वक्त तो आता रहता जाता रहता है. क्या बात कही आपने, वक्त आता रहता है जाता रहता है, हमें अपनी लाइन नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी लाइन पकड़ के रखनी चाहिए. अच्छा, आपका पैशन ही, जिस बंद जो बंदा का पैशन ही टूट गया वो तो फिर ऐसे जिंदा लाश घूम रहा है. आप जैसे मैं अगर इंजीनियरिंग फैक्ट्री में रहता तो मैं तो बर्बाद ही रहता जिंदगी भर. आधे मन से काम करते आप. हाँ, और फैक्ट्री की तो सब टाइलें भी टूटी टूटी बनती. नहीं नहीं बहुत म्यूजिकल टाइल्स बनती, क्योंकि आप उन्हें गा गा के ना उन टाइलों के आगे उनको गा गा के बनवाते हैं हम. नहीं सही बात है, अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए. हम लोग यूजुअली हार करके बैठ जाते हैं, सबसे दिक्कत जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है. आपकी बातें सुन के तो मुझे लग रहा है कि जो लोग अभी बच्चे होंगे ना, जो म्यूजिक में अपनी पहचान बनाना चाहते होंगे, आपकी ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे और वो तो हार नहीं मानेंगे अब. हाँ, मैंने एक कॉलेज में था तो मैंने एक गाना लिखा था, मेरी कोई भी एल्बम नहीं आई थी. तो अब मेरे करीबन 450 वीडियो है सब मिला के, पंजाबी हिंदी मिला के. हाँ, तो 450 के आसपास है. हम हर वीक एक गाना शूट कर रहे हैं आजकल. अच्छा, हर वीक. हाँ, बड़ा हाई लेवल के वीडियो शूट कर वाँ, वाँ. तो उसमें काफी नए एक्टर्स को, नए एक्टर को, नए सिंगर्स को मैं कोशिश करता हूँ इनकॉर्पोरेट करके उनको भी आगे बढ़ाऊं. तो हर गाने में आपको 2-3 चेहरे नए दिखेंगे. तो उसमें क्या हुआ कि मेरी कोई एल्बम नहीं आई थी तो मैं बड़ा परेशान था. तो मैंने कॉलेज में लिखा कि जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले. तो इसको मैं सुनाता हूँ. मैं तो इसको जब लिखा तो मुझे लगा कि ये गाना बड़ा पॉजिटिव लिख दिया मैंने. तो मेरे सारे उसके बाद गाने भी एल्बम भी आने शुरू हो गए. तो वो देखो, कॉलेज के बाद मैंने अभी वो शान है सिंगर बॉम्बे में, दोस्त है मेरे बहुत अच्छे, उनसे गवाया मैंने एक फिल्म में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर. तो लिखा कॉलेज में था, जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होंगी मन की सारी मुरादें,
एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। क्या बात है, कितना मतलब एक्चुअली मोटिवेशनल आपने लिख दिया। और इसे शान शान ने गाया, आपने उनसे गवाएगा ना? अभी गवाया है फिल्म के लिए, तो काफी आर्टिस्टों से मैंने गवाया है बॉम्बे में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। आशा भोसले जी, आशा जी के, हाँ मैं वो जानना चाहती हूँ आपसे, आशा जी जैसे लेजेंडरी सिंगर, उनसे कैसे गवाया आपने, उनको डायरेक्ट करने का आपका कैसा था अनुभव? डायरेक्ट क्या उनको बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ गाओ सब कुछ उनको आता है, तो उनको कुछ सरस्वती है वो हमारे देश की। वो तो ऐसा रहा कि मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं आशा जी के साथ एल्बम करूं। उसकी एक एल्बम आई थी हमारे गुलाम अली साहब के साथ गजनों की, हाँ। जब स्कूल में पढ़ते थे, हाँ। तो मैं वहां में देखता था फोटो लगी हुई है गुलाम अली साहब की, आशा जी की, तो हाँ। मैंने सोचा यहाँ पे कभी मेरी भी लग जाए आशा जी के सामने। तो जब मैंने उनको कहा तो वो कह रहे कि अब मैं कोई गाती नहीं हूँ, खास ही मेरे तो गाती हूँ, क्योंकि वो लेजेंड है, वो हमारे देश की सरस्वती है। तो कह रहे एक आधा गाना गवा लो फिल्म के लिए, तो मैं कहने दीदी पूरे पूरी एल्बम करेंगे। तो फिर उन्होंने काफी कुछ सूफी नुमा कुछ गजल नुमा ऐसा कुछ करते हैं, तो उन्होंने कहा, और मैंने उसी दिन उनको 8 गजलें भेज दी, तो 8 के 8 ही उनको उसी समय रिकॉर्ड करके धुन के साथ रफ म्यूजिक के साथ भेज दी, तो उन्होंने ओके कर दिया। और उसके पीछे शायद ये भी हो रहा हो कि उनको जो महामृत्युंजय मंत्र की सीडी थी वो उनको बहुत पसंद थी, उन्होंने मुझसे 100 सीडी मंगवाई थी एक बार कि 100 सीडी भेजो मुझे बांटनी है, आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, तो हमने उसी समय इंतजाम करवा के उनको तक पहुंचाई। शायद इस ये भी कारण रहा हो कि उनको लगा हो कि ये अच्छे सिंगर हैं, इनके साथ ठीक रहेगा। तो इसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन भी काफी बड़ा लगता है मुझे। आपकी वो महामृत्युंजय मंत्र की जो सीडी है मैंने भी आपसे ली थी, आपको शायद याद होगा हमने एक बार रेडियो पे प्रोग्राम किया था आपने और मैंने, याद है ना? अलग अलग चैनलों पे नहीं, लेकिन हम दोनों ने साथ में भी काम किया है, ऐसा नहीं है। हाँ, साथ में भी किया है। तो आशा जी के साथ जब आपने वो गजल गाई थी, वो बहुत ही प्यारी गजल थी, मुझे याद है मैं एक बार आप एंकर को लेकर आई थी, आपके यहाँ शूट करने के लिए भी आई थी, आपने वो गजल गुनगुनाया भी था, रोमांटिक सा गजल था वो, मुझे एक बार फिर से सुनाएंगे आप? पंजाबी मिक्स था। हाँ, ओ वारी जावा इश्क जेड़ा रूहां छो जांदा, वारी जावा इश्क जड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, हो वारी जावा इश्क ना जाने कब कहां किसी को इश्क हो जाए, इश्क हो जिसको ताजो तख्त को भी ठुकराए, ओ किस्मत च लिखिया किनू कौन मो जांदा, पता भी नहीं लगदा हाय, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार होगा। क्या बात है, क्या बात है, ये मैंने सुना था और आपने मुझे इसकी भी सीडीज दी थी और बहुत अमेजिंग लगा था मुझे, और मैं बहुत टाइम तक सुनती रही, अब वो सीडी प्लेयर खराब हो गया तो आज आपने उसे वापस रिवाइव करवा दिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था और इसको ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सीडी का अवार्ड मिला था, वो इस काबिल है, क्योंकि आशा जी की सीडी आई ऐसे डुएट में बहुत कम है, फिल्मी गाने आए तो बहुत सालों के बाद, उन्होंने 20 साल के बाद शायद गजलें गाई, तो गजलों की उनकी मास्टरी है। इन आँखों की मस्ती
परवाने हजारों हैं। उमराव जान ने उन्होंने काफी गजलों से वो, उसके बाद गुलाम अली साहब, वो बड़ी बहुत सालों के बाद उन्होंने गजलें गाई। और ये जो हाँ गाना था पर्टिकुलर, ये मैंने बिदाई सीरियल में गाया था पहले। अच्छा बिदाई सीरियल आता था एक बहुत पहले, दस हाँ प्लस में बिदाई बिदाई वो आता था, तो उसमें मैंने ये गाना गाया था बारी जमाइश के, एज ए सिंगर। हाँ मैं यूएसए से आता हूँ सीरियल में, और ढाबे पे रुकता हूँ, और वहां हीरो हीरोइन आते हैं, उनकी दोस्ती देखता हूँ, फिर गाता हूँ। अरे वाह अरे वाह। अच्छा आपने एक्टिंग भी कर ली है, मतलब आप सिंगर तो है ही है, प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, एल्बम्स में गाते हैं, आप एल्बम्स में एक्ट भी करते हैं, सीरियल में भी अब आपने काम कर रखा है, फिल्मों के लिए भी आप डायरेक्शन देते हैं। इतने सारे रोल्स में से आपका फेवरेट रोल कौन सा है, क्या आपको सबसे बेस्ट लगता है करते हुए, मतलब व्हेन यू फील योरसेल्फ? देखो, मुझे लगता है गाना और लिखना, राइटिंग मुझे बहुत शौक है लिखने का, और कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। कि तू मुझे एक बार मिले तो पूछूं एक सवाल, अगर तेरे हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता ना कीड़ी की चाल, फिर ये कैसे हो गया इस दुनिया का हाल, क्या है गहरे राज, क्या है नेक ख्याल, चलो हो गया जो हो गया, क्या खींचे बाल की खाल, अब लौटा दे सब खुशियां, ले जा सारे गम लाल, तू मुझे एक बार मिले तो पूछूं एक सवाल। वाह क्या बात है। ऐसे कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। ऊपर कभी ऊपर वाले की तरफ से, जैसे शिव जी की तरफ से इंसान को लिखा है कि जो शिव शिव करते हो तरते ही तरते हैं, मैं अजन्मा हुआ तो क्या, तुम तो मेरे बच्चे हो तो सब हक रखते हो, तुम भक्ति के साहूकार में भक्तों का पाल ढहार, पर मांगना केवल भक्ति ना मांग बैठना कुछ और, फिर आए ना आए ये दौर, फिर सब कुछ मिल जाएगा पर मैं रहूंगा दूर, जैसे सजी सजाई दुल्हन बिना मांग सिंदूर, सब व्यर्थ जाएगी शक्ति, केवल मांगना मुझसे भक्ति, क्योंकि जो मेरे रोगी हैं वो ही परम योगी हैं। क्या बात है। तो इस तरह की राइटिंग का मुझे बहुत शौक है, कि क्या लिखने को बाकी है तेरी प्रशंसा में, चल तू ही लिखा दे अपनी मंशा से, मैं महकूं तो तेरी सुगंधा से और गाऊं तो तेरी अनुकंपा से, क्या लिखने को बाकी है वाह तेरी प्रशंसा। तो ऐसा क्या मुझे कुछ शौक है लिखने का। मुझे लगता है कि आप बहुत आध्यात्मिक हैं, मतलब आपका जो लिंक शिव जी के साथ है, आपने महामृत्युंजय मंत्र भी बहुत शिद्दत के साथ गाया। और मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं पहले ना आपको एक आध्यात्मिक सिंगर ही मानती थी, मुझे लगता था कि आप भजन सूफी यही गाते हैं। वो तो जब मैंने आप पर बहुत रिसर्च करने शुरू किए, जब हम प्रोग्राम के लिए मिलते थे, तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला नहीं भाई, सिर्फ इतना ही इनका जॉनर नहीं है, बहुत बहुत दूर दूर तक इनकी ख्याति है, और बहुत अलग अलग जगह इन्होंने हाथ आजमा रखा है अपना। एक्चुअली मुझे लगता है हर बंदा आध्यात्मिक होता है ठीक ठाक, और व्यक्त नहीं कर पाता वो, क्योंकि उसमें वो मौका नहीं मिलता उसको बताने का कि मैं आध्यात्मिक हूं। क्योंकि अगर आप एक दूसरे को मैसेज देते रहो तो आधी परेशानी इंसान की दूर हो जाती है, इफ यू मीटिंग द राइट पीपल राइट। तो जैसे मुझे भी किसी ने बताया होगा कि मैं स्पिरिचुअल हूं, इसमें ये बेनिफिट है। स्पिरिचुअलिटी में ये बेनिफिट होता है कि आपको रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में फर्क है। स्पिरिचुअलिटी में अलग है दोनों, मैं इंसानियत में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, बिल्कुल कि इंसानियत इंसान में ज्यादा होनी चाहिए बजाय कि कट्टरपंथी। हाँ तो इंसानियत जिसमें अच्छी होती है वो उस बंदे काम भी जल्दी बनते हैं, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चाहे आप, अगर एक मुझे बहुत अच्छी बात मिली, एक मुझे बहुत जैन थे, जैन मुनि बहुत अच्छा लिखते थे, तो मैं उनकी पोइट्री बड़ी सुनता था। तो पोइट्री सुनने गया तो उन्होंने कहा कि, मैं कहा बाबा आप तो कोई दान करते नहीं हो, तो कह रहे वो तो आपकी वो है शौक है दान करने का, आपको जरूरी थोड़ी है हमें भी तो वो वाला कहीं लेके जाएगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं के लिए। तो दान करना आपकी फितरत है, कोई ज्यादा वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। इट्स बेटर टू बी गुड ह्यूमन बीइंग एंड हेल्प हूसोएवर कम इन द वे। तो लवली लवली मुझे थॉट्स बड़ी अच्छी लवली। लगी उनकी बात की, जरूरी नहीं है कि आप हर अच्छा काम कर ही सको, आप जितना कर सकते उतना ही करो। अब किसी को पैसे नहीं बेचारा कहां से दान करेगा, हाँ बट हाँ डजेंट मैटर कि गॉड विल नॉट फॉरगिव हिम। तो मुझे कई अच्छे ऐसे लोगों से मिल मिल के अच्छी चीजें
सुन सुन के थोड़ा थोड़ा मुझ पे 2% असर हो गया, ज्यादा नहीं हुआ। आप अगर 2% में, 2% में अगर आप ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। मेरी जो सारी वर्क है वो सारा मॉडर्न है। मॉडर्न आपको पता है ना, मॉडर्न लोग शिव के ज्यादा भक्त हैं, पता है ना आपको, क्योंकि शिव शिव के साथ लोग अपने आप को मिल वो कर पाते, बैलेंस कर पाते हैं। वो एनर्जी आ जाती है वहां से, 2% में एनर्जी आ जाती है। सही कहा आपने। आपकी ना, आपको मैंने एक गीत सुना था, शहीद भगत सिंह के लिए आपने गाया था, बहुत सुंदर, बहुत अमेजिंग। तो मैं चाहती हूँ कि 2 लाइनें आप उसकी भी गुनगुना दीजिए। कौन सा था, मुझे याद नहीं आ रहा। शहीद भगत सिंह को आपने एक ट्रिब्यूट दिया था, मुझे लाइनें उसकी याद नहीं है, पर आपने वो गाया है, एक ट्रिब्यूट गाया है टू शहीद भगत सिंह। सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आएगा अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, जब आएगा तो मुझे एक बार सुना जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपने वो बहुत खूबसूरती से गाया हुआ है उसे। अच्छा देखिए, एक चीज आपने बहुत अच्छी करी थी, जैसे आपने कहा ना मैं 2% आध्यात्मिक हूँ, 2% आध्यात्मिक होने के साथ साथ मुझे लगता है कि उसने आपको इतना पॉजिटिव कर दिया कि आपने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। म्यूजिक इंडस्ट्री में गाली गलौज भरे गाने आने शुरू हुए, एक ऐसा दौर चला कि जब मैं भी गाना सुनना बंद कर चुकी थी। मुझे लगता था कि भैया 70s के गाने सुन लो, ये वाले गाने तो मैं नहीं सुन सकती। आपने उसके खिलाफ प्लेटफॉर्म पे बोला, आपने किसी का नाम नहीं लिया, नाम हम सब जानते हैं, ठीक है, आपने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने उसके खिलाफ बोला, तो अपनी ही फ्रेटर्निटी के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल होता है, कैसे किया आपने ये? नहीं एक्चुअली क्या होता कि जो व्हेन यू सी, अब जैसे कोई नया कलाकार आता है तो वो 10,000 कलाकारों को इम्प्रेस करेगा उसकी गायकी, और आने वाले 10,000 कलाकार खराब हो सकते हैं। जैसे हमारा क्या इंस्ट्रूमेंट है, हमारे क्या हमारे रागाज हैं, क्या हमारा म्यूजिक है, मोहम्मद रफी साहब, गुलाम अली साहब, आशा भोसले जी, लता मंगेशकर, मन्ना डे, किशोर कुमार, वाह, तो उन लोगों को सुन के अगले 20 साल चले, अगले सिंगर आए उनको सुन के हम लोग चले। अब जो अभी कुछ कलाकार अगर ऐसे कुछ करेंगे तो अगले जो 20-30 साल में कलाकार आएंगे वो तो सारे गाली गलौज भी आ जाएंगे। तो गाली गलौज में जिनको बैकग्राउंड, अगर आपकी कोई सॉलिड नहीं है तो आपको पॉपुलर होना तो आप जल्दी हो भी सकते हो। जब आपको कुछ गुमाने का ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, तो गुमाने में बैकग्राउंड की प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, मैं इस फैमिली में रहता हूँ, मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, तो जब बैकग्राउंड की प्रॉब्लम नहीं होती तो लोग जल्दी जल्दी गालियां निकाल के पॉपुलर हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो अच्छे फैमिली के लोग हैं वो भी फिर शुरू हो जाएंगे, तो अपने पेरेंट्स का भी एक रुतबा खराब। और जो सबसे पेरेंट्स का भी बात छोड़ो, हमारी जो ओरिजिनल म्यूजिक है वो बहुत ही मुश्किल से बना के, बुक्स बना बना के लाइब्रेरी में दी है पुराने सिंगरों ने, तो वो तो खत्म ही हो गया सारा मामला इस तरह। तो इसलिए थोड़ा बोला हमने, और सबको बोलना चाहिए, और अच्छे जो लोग काम करते हैं उनकी तारीफ करें। आपकी नजर में आपका आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आप अपने आप को बस मत गिनेगा, हाँ अपने आप को छोड़ दो। मैं तो बॉलीवुड को ही ज्यादा सुना है, मैंने आशा जी, लता जी को, गुलाम अली साहब को सुना है मैंने, नुसरत फतेह अली खान साहब, और मोहम्मद रफी साहब, किशोर, हर बंदे का अपना अपना जॉनर है, गुरदास मान पंजाबी में, तो हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है। और पर क्योंकि हम क्लासिकल फैमिली से तो हम ज्यादा क्लासिकल चीजें सुनते रहे हैं, और जब हम हमें स्टेज पे जाने का मौका मिला तो किसी ने क्लासिकल सुना ही नहीं, सबने कहा पंजाबी सुनाओ, हिंदी सुनाओ, क्योंकि ऑडियंस नहीं है कॉलेज की ऐसे। वहीं से जब मेरी पहली एल्बम भी आई कुड़ी गुरमरी, तब मैं उनको बोला मैं गजलें निकालना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ये काम नहीं चलेगा यहाँ पे, आप पंजाबी गाना गाओ, वो हिंदी गाना गाओ, पंजाबी गाना गाओ। तो ये जो कंपनियां भी होती हैं उनके भी सुननी पड़ती है, क्योंकि वो आपको स्टार बनाते हैं। आर्टिस्ट सब एक जैसे होते हैं, जिस पे जोर लगा रहे ऊपर वाला वो पॉपुलर हो जाता है। क्या बात है, क्या मतलब, आप कितने मॉडेस्ट हैं, आप अपने आपके अंदर इतने गुण हैं, उन गुणों को आप बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, आप ऊपर वाले का ही नाम ले रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आपने गजलों की कई बार जिक्र कर दिया ना, गजल गजल गजल,
तो सुनी लेते हैं। मुझे भी बहुत देर से मन कर ही रहा था आपसे गजल सुनूं। एक मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज था तो मेरे साथ में सोन वो जी लड़का होता था, अब तो सीनियर लॉयर है, तो वो लॉर्ड डिपार्टमेंट थे, हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थे। हाँ तो हमने एक गजल बनाई, मैंने कंपोज की थी वो, इस शहर के ऊपर है। इस शहर में किससे मांगे हम जरा सी जिंदगी, हर कोई तो ढूंढता है बस जरा सी जिंदगी। इस शहर में किससे मांगे हम जरा सी जिंदगी, पल दो पल नजरें चुरा के उसने देखा जब मुझे, पल दो पल नजरें चुरा के उसने देखा जब मुझे, पल दो पल हमने चुराई तब जरा सी जिंदगी। इस शहर में किससे मांगे हम जरा सी जिंदगी। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मतलब क्लैपिंग जोर से कर सकती तो मैं जरूर करके आपको सुनाती। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा आपने गाया। जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो वीडियो, ये तो हम भी जानते हैं, जो वीडियो पे हम करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं स्टूडियो में, स्टूडियो की रिकॉर्डिंग अलग होती है, जब हम लाइव परफॉर्मेंस करते हैं तो वो अलग होता है। आपका फेवरेट क्या है, लाइव करना स्टेज पर या फिर रिकॉर्डिंग्स? नहीं, लाइव भी अच्छा होता है, वहां लोगों से इंटरेक्शन होती है और बहुत सारे लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें होता है कि आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैं अलग अलग अपब्रिंगिंग के लोगों को एक ही सूत्र में बांध के उनको डांस करवा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो सबको हर रोज ही हम जब हमारा, अभी तो कोरोना में हमारे प्रोग्राम बहुत कम हुए हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं उन्होंने, तो एक साल से कम हुए, तो नहीं तो हम महीने में 10-12 शो करते हैं, और इतना मजा आता है जब ऑडियंस आपके साथ मिलके एंजॉय करती है, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रोग्राम हो, चाहे वो वेडिंग शो, चाहे वो कॉलेज का फेस्टिवल हो, तो वो एक नशा ही अलग है स्टेज का। स्टूडियो में ये होता है कि थोड़ा वो रहना पड़ता है, कॉन्शियस रहना पड़ता है कि ये गाना जब जब तक यूट्यूब है दुनिया में तब तक रहेगा, तो ढंग से गा लो। फिल्म मस्ती चलती है, शेर व शायरी चल जाती स्टेज पे, कॉमेडी भी चल जाती स्टेज पे, तो मुझे कॉमेडी का भी बड़ा शौक है। अच्छा, मुझे सीधी बात करने का बात आती नहीं, मैं हर बात कॉमेडी के थ्रू जाती है। आपने वैसे आपने सही कहा, आपने थ्रू आउट जब से आपने शुरुआत से बात की है, मुझे यही लगा कि आप बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बातों को रखने में विश्वास रखते हैं, जो कि आसानी से किसी के दिल और दिमाग में चली जाए। ये आपकी खासियत है, यूएसपी है ये आपकी। थैंक यू। ये अच्छा, किसी एक और बताइए। पता भी नहीं लगता, प्यार हो जाना, हमने सुना दिया गाना ये। ओ बारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, हाँ पता भी नहीं लगता कदों प्यार हो जांदा, एक एक बुरकी रोटी दी जदों सजन खलावे, वेख नजारा आसानी दा वी दिल भर आवे, आए किस्मतां च लिखिया किनू कौन मो जांदा, पता भी नहीं लगता कदों प्यार हो जांदा। क्या बात है। इन्होंने मुंशी ने रिक्वेस्ट किया है फिर से, और वो देखिए आपको क्या करिए, लव दिस सॉन्ग इन योर वॉइस। आपके लोग बहुत फैन है, आपकी सिंगिंग के लोग बहुत ज्यादा फैन है, आपके व्यवहार के भी लोग फैन है, आप बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही सिंपल किस्म के व्यक्ति हैं। जब आपको
आपके कॉलेज के दिनों की बात पूछना चाहूंगी। जब आप कॉलेज में बहुत हैपनिंग सिंगर हुआ करते थे, आसपास वाइफ तो नहीं है ना आपकी? आपकी क्या किया गर्लफ्रेंड मैंने? थी तब? मैंने कहा उस वक्त आपकी गर्लफ्रेंड थी, मैंने कहा आप आसपास वाइफ तो नहीं है आपके, वरना यही पिटाई हो जाएगी नहीं नहीं एक्चुअली आपकी। कॉलेज में देखो छोटे मोटे फीलिंग्स तो चलते ही रहते, सबके होते हैं। पहली बात तो हाँ कॉलेज में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां होती नहीं है, होती भी तो बहुत पड़ाकू टाइप चश्मे वश्मे मोटे मोटे वाले होते हैं, और अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां बहुत कम होते हैं, और इसलिए हम दूसरे कॉलेज अफसोस ही दूसरे रह गया डिपार्टमेंट में आपको। जाकर हाँ ढूंढते थे अफसोस रह गया आपको। कोई इंग्लिश डिपार्टमेंट, कोई बॉटनी डिपार्टमेंट, कोई जो अच्छे अच्छा अच्छे डिपार्टमेंट, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो इसलिए फैंस बहुत थे मेरे, टचवुड बहुत सारे फैन थे। हाँ जितने मेरे कॉलेज में फैन रहे होंगे लड़कियां, उतने शायद बाद में नहीं रही होंगी, क्योंकि वो एक टाइम होता है कॉलेज का। एक तो ग्रोइंग उसके बाद स्टेज मुझे भी संगीत को होता बिजनेस बना लिया, तो ध्यान गाने में बिजनेस की तरफ रहता है, उस समय ध्यान भी संगीत में भी रहता है और मैं उसमें भी रहता है। और कॉलेज में ठीक तो है, सबका, समझ हाँ, गई। और कॉलेज में फिर उसका ही नहीं होता जो जिसका नहीं हो पाता, नहीं तो चाहते सारे सबका हो जाए देखा आपने, बिल्कुल मैं आपकी बात को अग्री करती हूँ। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो वाइफ ने, आपने आपने वाइफ क्या सोच के ढूंढी, और वाइफ ने आपने क्या देखकर आपको चूज किया कि ये व्यक्ति बहुत गाना अच्छा गाता है, वो इसलिए इम्प्रेस हो गई आपसे, ऐसा कुछ था है हाँ वो गाने के लिए इम्प्रेस हुए थे। हाँ ना? उनको गाना पसंद था और वो आई थी हमारे अवार्ड लेके कि आप हमारे अवार्ड फंक्शन पे आए थे, तो हाँ मैंने उन्हीं को अवार्ड बना के घर में सजा लिया वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। तो आपके घर का माहौल कैसा रहता है? क्या ये भी म्यूजिकल रहता है, आप रियाज करते रहते हैं, घर वाले हाँ भी साथ म्यूजिकली देते रहता है हैं? यहाँ पे, म्यूजिकली या रहता म्यूजिकल ही रहता है। अब और कोई काम नहीं है हमें सोए म्यूजिक के, और कोई गाना लिख लो, कोई गाना बना लो, कोई गाना आ गया तो उसको प्रमोट कर लो, कोई नहीं आया तो नया बना लो, उठते बैठते खाते पीते यही काम है बस, सिर्फ वी ईट ब्रीद एंड स्लीप म्यूजिक। लवली, ब्यूटीफुल। आपके आने वाले कौन कौन से एल्बम्स हैं? आपने बोला ना आजकल आप हर हफ्ते एक एल्बम में रिलीज कर रहे हैं, हर हफ्ते। हाँ अभी मेरे काफी गाने आए थे, और 5 पैग आया था, ब्रांड गाना बहुत पॉपुलर हुआ था तब, टिकटॉक था जमाने में इंडिया में, तो बहुत 1 करोड़ व्यूज आए थे सारे लोगों ने उसके। वीडियोस बना के भेजे थे, मैंने देखा था, बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे वीडियोस एक आपके बना के करोड़ ब्रांड एक वाला। करोड़ व्यूज थे उसके टिकटॉक पे वाह ब्रांड के। वाह। और अभी हमारा गाना इश्क दा जादू रिलीज हुआ है, एक बहुत अच्छी हाँ सिंगर है मंदाकिनी जी, सिस्टर है मेरी वो, और उनके साथ रिलीज किया है। और एक मिट्टी दा बाबा बोल रहा नहीं, इसको हमने J&K टूरिज्म ने इसको स्पॉन्सर किया है, अभी अच्छा शूटिंग हुई जम्मू में। और अभी हनी हरदीप जी के साथ एक गाना आ रहा है जो अमेरिका में, हनी हरदीप जी का नाम नीचे लिखा हुआ पड़ा मैंने अभी, तो क्या जो अच्छा वो भी आए हुए हैं इसमें। अभी मैंने देखा है हाँ हाँ राइट, हाँ आई एम हनी हरदीप, राइट। तो इनके दौलतपुरी जी, बिट्टू दौलतपुरी जी के राइटिंग में अमेरिका से उन्होंने लिखा है, और ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और अभी हम एक गाना शूट कर रहे हैं, बहुत सारे गाने शूट कर रहे हैं, और एक कल हम गाना शूट कर रहे हैं, उस गाने का नाम है कैटरीना जेलस ओ वो कैटरीना को क्यों जेलस फील करवा रहे हैं आप? पंजाबी गाना ऐसा है, एना लत गोल कुड़ी दा जेलस कटरीना नू, एना लक गल कुड़ी दा। तो ये कल शूट कर रहे हैं और ये नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। अच्छा और एक गाना हमने अभी, बहुत गाने हैं अभी याद नहीं आ रहा, बहुत सारे गाने शूट चल रहे हैं हमारे, और उम्मीद है कि हम इसी मंथ में एक दो वीडियो रिलीज करेंगे, मगर हमारा पर टारगेट ये रहता है कि संगीत में ही टाइम बीते और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस की पसंद के गाने गाएं, बजाय कि अपनी पसंद के गाएं। मुझे शौक है कि अपना मैं थॉट राइटर जो होते हैं उनको थॉट दे देता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सॉलिड राइटिंग चाहिए,
आप कितने घंटे रियाज करते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपको अगले दिन परफॉर्म एक घंटा रियाज करते हैं, और अपनी आवाज का देखभाल, आपकी आवाज जो है उसकी देखभाल के लिए क्या करना होता है? आवाज की देखभाल करता तो ये हाल थोड़ी होता, आवाज की देखभाल करता है नहीं, वो तो आपको अचानक ही मौसम चेंज तो हो ही रहा, तो वो तो उसका असर था, वो तो आजकल नहीं, मेरी हर आवाज, काम हो रहा है। आवाज की देखभाल ये है कि ना कभी मैंने कोक पिया, ना कभी आइसक्रीम खाई है, ना कभी नींबू, तो ये चीजों से दूर है, गोलगप्पे। एक्चुअली जब हम ऑयली चीज खाते हैं ना, उसके बाद पानी अगर पी लिया जाए तो ये हाल हो जाता है। मैंने गलती से पानी पी लिया, तो इसलिए कभी भी सिंगर को ऑयली के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि तो गला गा गा के बहुत सेंसिटिव हो जाता है। ये आपने और के लिए कई आपने बहुत कई अच्छा। घोंघे होते हाँ हैं, आपने देखा होगा, हाँ कई घोंघे होते हैं वो नॉर्थ इंडिया में तो नहीं है, वो पान बहुत खाते हैं, महाराष्ट्र साइड साइड में होंगे या इधर, तो यूपी के पान भी को होते खा के, हैं। पान खा के कवाली गाते हैं। तो उनके गले में, मुझे बता रहे थे कि पहले एक बहुत अच्छे सिंगर बता रहे थे मुझे कि पान खाने से सुपारी जो है धीरे धीरे गले को खराब करती चोक है। करती है। तो वो इन चीजों से बचना चाहिए सिंगर। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिनमें बहुत सारे नए टैलेंट्स जो हैं वो आते हैं, परफॉर्म करते हैं, हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हम जस्टिस कर रहे हैं, हम नए टैलेंट को उभार रहे हैं, या हम उनको कुछ टाइम बाद गायब ही कर देते हैं ताकि वो कहीं और बैठ जाए? मैम, एक्चुअली ये इंडस्ट्री थोड़ी महंगी हो गई है। ये इसमें क्या है कि आप, आपके पहली बात तो दो चार गाने जब तक हिट नहीं होते आपको कोई हिट मानता नहीं है, तो दो पहला गाना ही हिट करना बहुत मुश्किल है, एक गाना ही हिट करना बहुत मुश्किल है, और फिर दूसरा गाना हिट करना, जब तक तीन चार गाने हिट नहीं होते आपको काम नहीं मिलता, फिर कोई आपको बुलाएगा तो 3 घंटे क्या सुनेगा, काम तो स्टेज से मिलता है सिंगर को। तो दो दो चार गाने हिट होना, इसलिए नए आर्टिस्टों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ही गाने गाएं। वो क्या करते, फिल्मी गाने, सारे गामापा, ये जो प्रोग्राम होते हैं इनमें फिल्मी हाँ, सारे उसमें गाने फिल्मी गाते हैं, तो गाने। उसमें सारा क्रेडिट तो उसको जाता है जिसने गाया होता है। तो ये प्लेबैक सिंगर तो बनते नहीं, ऑर्केस्ट्रा सिंगर बन जाते हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लिरिक्स अच्छे किसी बंदे से लिखवाएं, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर से काम कराएं, अच्छे वीडियो डायरेक्टर से काम कराएं, और उससे क्या हो कि आपकी अपनी पहचान बनती, तभी वो गैप नहीं होंगे, फिर वो टिके रहेंगे। और अब तो पैसा लगाना भी नहीं पड़ता, चैनलों पे यूट्यूब पे डाल दो गाना, थोड़ा अपने दोस्तों से शेयर करवा लो, बस चलना हुआ चल जाएगा, नहीं तो अगली बार। कई बार चलने को ऐसे ऐसे गाने चल जाते हैं कि हम लोग अपना सिर पीट लेते हैं कि चला गया और चला क्यों, ये भी चला कई क्यों, बार हो हाँ जाता है यूट्यूब पे, है ना? तो कोला वरी अच्छी भी गाना चीजें चला दब था। जाती, हाँ, वो तो हर किसी ने अब ही गा गाने, दिया था। हाँ, तो वो हाँ एक्टर ने गाया था वो। तो ऐसे ये गाने चलने को कोई भी वर्ड चल सकता है। एटलीस्ट मुझे लगता है आज के टाइम पे गाने की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, प्रेजेंटेशन की ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे हम लोग रियाज कर करके तैयारी करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और मुझे लगता है कि आजकल सारा कंप्यूटराइज करके 2 लाइनें, अच्छे सा वीडियो बनाओ, अच्छे से डालो, वो काम चल सकता है, इजी कर दिया है। अच्छा, आप लोगों के साथ थोड़ी सी मुश्किल एक चीज और नहीं आ गई, आजकल फिल्म स्टार्स ने भी गाना गाना शुरू कर दिया है यही तरीका अपना करके। नहीं, वो अच्छी बात है, देखो जब संगीत बढ़ता है तो सबका इकट्ठा ही बढ़ता है। पर आपके काम पर आंच नहीं आती? नहीं आते, काम बढ़ता है। अब फर्ज करो 10 तरह की मिठाई वाले आ जाए तो लोग मिठाई ज्यादा खानी शुरू कर देते हैं मैं आपका ये समझ गई तो उसका बेनिफिट होता है। आपका आपने देखा फ्यूचर होगा प्लान? मेरे बताइए फ्यूचर, बताइए, कोई प्लान आप नहीं कुछ मेरा बोल रहे थे, फ्यूचर पहले पहले आप जो बता रहे थे वो बताइए। मिक, जैसे आप देखो ना, एक एक जगह पे ज्वेलरी मार्केट होती है, मुंबई में ज्वेलरी मार्केट है, हाँ तो लोग वहां ज्यादा जाते हैं। अगर वहां एक ही दुकान होती कोई ना जाता, राइट, क्या वहां लाइन बात में है। 100 100 200 दुकान है, ठीक है ना? तो ऐसी जितनी वैरायटी होगी उतना सबके लिए अच्छा है। लेकिन स्टेटस भी तो गिरता है ना, अगर आप ध्यान से नहीं, देखें। देखो हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी, हम जाएंगे यहां से बिना अर्जी, तो बाकी बातों में कैसे चलेगी तेरी मर्जी।
हमारी आने जाने की कोई, हमारी पूरी लाइफ प्लान्ड है, स्टेटस किसका गिरना है किसका उठना है सब कुछ लिखा हुआ है। आप चलते चले जाओ, आंखें बंद करके अपने काम करते जाओ। लवली, अपने जब आप, दुनिया इसलिए दुखी नहीं है कि वो, दुनिया इसलिए दुखी कि लोग क्या कह रहे हैं। आप अपना अपना देखो कि मैं कहां से कहां आया हूं, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो आपने कुछ प्लानिंग नहीं की अपने भविष्य की, कुछ ऐसा सोचा नहीं कि आज से कुछ सालों बाद मैं कहां आऊंगा क्या करूंगा, मेरे रिटायरमेंट प्लान कैसे होने चाहिए? मैंने एक ही प्लानिंग लाइफ में की थी कि मैं जिम जाऊंगा, मैं वो ही नहीं जा पाता, तो इसने प्लानिंग छोड़ दी है। रहने दीजिए, फिर आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो मेरी प्लानिंग के काम कोई फायदा नहीं, हमारा काम ठीक चल रहा है, ऐसे ऊपर वाले चलाता रहे यार, दोस्तों के चक्कर में चलता है। मुझे दोस्तों ने बढ़ाया आज तक, मैं जहां पहुंचा हूं दोस्तों के कारण। आप है ही इस तरह के व्यक्तित्व कि आपकी हर किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, आप बहुत डाउन टू अर्थ है। जितने लोग आपको पर्सनली जानते हैं वो सब आपको जानते हैं कि आपका नेचर आपका व्यवहार कैसा है। जो लोग दूर से देखते हैं वो ये सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जो शायद किसी से बात करना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन हम आपको जानते हैं कि आप बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत फ्रेंडली किस्म के इंसान है, और ये आपकी यूएसपी है। मुझे लगता है कि ईश्वर को ने जो आपको नियामत बख्शी है आप उसको थैंक्स देने का शायद आपका ये तरीका है कि लव एंड कंपैशन ये आपके अंदर बहुत ज्यादा है। ये बहुत अच्छी चीज है आपकी। चलते चलते कोई अपना फेवरेट गाना सुनाएंगे आप? हाँ मैं सुनाता हूँ एक गाना, मेरा अभी रिलीज हो रहा है। गया सदले जहानू अखा खोलदा नहीं, गया सदले जहानू अखां खोलदा नहीं, जदों मुक गए मिट्टी दे विचो साल, मिट्टी दा बावा बोलदा नहीं। जदों मुक गए मिट्टी दे विचो साल, मिट्टी दा बावा बोलदा नहीं, मिट्टी दा बावा बोलदा नहीं, बोलदा नहीं, मिट्टी दा बावा बोलदा नहीं। तुर धरती दे उत्ते अख अंबरां दे वल, शान अपनी वधाउण लई करी जावे छल, करे सारिआं दे नाल जद माड़ा उदों ई मन डोलदा नहीं। जदों मुक गए मिट्टी दे विचों सार, मिट्टी दा बावा बोलदा नहीं। मैं वही कह रही हूँ, आपके दोस्त आपसे बोल रहे हैं, फिर भी सुना दीजिए। अब वो कह रहे हैं तो आपको तो गाना ही होगा। कुड़ी कुरमरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मिठी ही है, लगदी अंगूर दा दाना। यार कुड़ी कुरमरी आयो है, यार कुड़ी कुरमरी आयो है, यार कुड़ी कुर एक कुड़ी आई इक नगीना, भुल गया मैं ता खाना पीना, जिनू वेख के आए पसीना। यार कुड़ी कुरमरी मिंटा विच ओह लुट के लै गई दिल दा मेरे खजाना। यार कुड़ी कुरमरी आयो है, यार कुड़ी कुरमरी। थैंक यू, आपसे मिलकर आपसे बात करके सब बहुत रिफ्रेशिंग लगा। थैंक यू, जल्द मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये आज हमारे साथ शंकर साहनी जी थे, जिन्होंने अपनी जर्नी हमसे शेयर की, इतने खूबसूरत गाने हमें सुनाए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों का शुक्रिया जो आज हमसे जुड़े रहे। आई एम हनी हरदीप जी, आपका थैंक यू। बहुत सारे नाम हैं जिन नामों को शायद मैं पढ़ नहीं पा रही क्योंकि बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखे हुए उनके नाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अपने कार्यक्रम मंथन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।